नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? जानते हैं अच्छे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, एक दिन से लेकर 5 दिन तक देसी मुर्गी पालन और फार्मिंग कैसे करते हैं, कौन सा वैक्सीन और दवा दाना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को ही जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ आएगा। दोस्तों, जब फार्म में एक दिन का चूजा आता है तो पहले उसके दूसरे, तीसरे और चौथे दिन लाइसिन पाउडर और बीमराज लिया जाता है दोस्तों, और पाँचवें छठवें दिन रानीखेत लसोटा का वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 10 दिन पर 3 बार बीमराल दिया जाता है, 20 दिन पर 3 दिन ब्रोटोन का लीवर टॉनिक चलाया जाता है, 5 गंबोरों का वैक्सीन दिया जाता है जो कि 500 डोज का आता है। अगर 500 बच्चा रखे हैं तो दे सकते हैं, और उससे कम है तो नहीं, और उससे अधिक है तभी भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक दिन से लेकर 1 महीने 40 दिन तक बॉयलर का, अगर अंडे के लिए रखते हैं तो 1 महीने 40 दिन बॉयलर का दाना चलाने के बाद मक्का दीजिए या देसी का दाना दीजिए, या चिकन के लिए रखेंगे तो दोस्तों बॉयलर का दाना ही चलाते रहिए। 80 से 85 दिन में 1 केजी का हो जाएगा मुर्गा दोस्तों। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में फार्मिंग में कुछ है नहीं, बस आप लोग इस वीडियो एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और 5 साढ़े 5 महीने चालू हो जाता है देसी मुर्गियों में। दोस्तों, जितना वैक्सीन बताएं उतना वैक्सीन देने के बाद कोई वैक्सीन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको एक बार और बता देते हैं दोस्तों, 5वें 6वें 7वें दिन पर दोस्तों रानीखेत लसोटा का वैक्सीन दिया जाता है, 12वें 13वें दिन पर दोस्तों गंबोरों का वैक्सीन दिया जाता है जो 500 डोज का आता है, और 500 बच्चा रहेगा दे सकते हैं, नहीं रहे तो उससे कम है तो नहीं, उससे अधिक भी है तो दे सकते हैं दोस्तों। और 10 दिन पर 3 बार बीमराल चलाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन और फार्मिंग करने के लिए, मुर्गी के बच्चे के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा, डिलीवरी ऑल इंडिया हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा।